हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने दिन की तैयारी के बाद आज दिवाली आ ही गई, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपोत्सव का यह पर्व आप सबके जीवन में नई रोशनी लेकर आए और बहुत सारी खुशियां, ऐसी मंगल कामना है। और आई होप अभी तक आपने बहुत सारी मिठाइयां बना ही ली होंगी, और जैसे कि होली या फिर दिवाली पर करंजी या फिर गुजिया ज़रूर बनाई जाती है, और अगर अभी तक आपने नहीं बनाई है तो चलिए देख लेते हैं बेक्ड गुजिया की बहुत ही आसान सी रेसिपी। करंजी बनाने के लिए हमने एक कटोरी मैदा लिया है, उसमें 1 पिंच नमक डालेंगे, साथ ही 5 चम्मच घी डालेंगे मोइन देने के लिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते हुए हमें एक हार्ड डब तैयार कर लेना है, इस तरह से। ऊपर से आटे में थोड़ा सा घी अप्लाई कर देंगे और किसी बर्तन से कवर करके आटे को सेट होने के लिए रख देंगे। करंजी की स्टफिंग तैयार करेंगे। ग्लास बाउल में 2 बड़े चम्मच घी ले लेंगे और इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच सूजी या फिर रवा। मोटा या बारीक आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव में रोस्ट कर लेंगे। सूजी अच्छे से रोस्ट हो गई है और फूल गई है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी किसा हुआ नारियल, आप गीला या सूखा कोई भी ले सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच मावा। शुद्ध मावा कैसे बनाना है और इंस्टेंट मावा कैसे तैयार करना है, ये दोनों ही वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं। 30 सेकेंड के लिए हम माइक्रोवेव में मावा को रोस्ट कर लेंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी शुगर पाउडर। आटा अच्छे से सेट हो गया है, इसके हम छोटे छोटे गोले तैयार कर लेंगे और इसकी पूरी बेल लेंगे। बहुत मोटा और पतला नहीं बेलना है, एक मीडियम थिकनेस में हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से पूरी बनकर तैयार है। करंजी के साँचे में हमने घी लगा दिया है जिससे कि वो चिपके ना। इसके ऊपर पूरी को डालेंगे और मावा की इसमें स्टफिंग कर देंगे। दो बड़े चम्मच इसमें हम स्टफिंग को भरेंगे जिससे कि ये फटेगा नहीं, और किनारे में इस तरह से पानी लगा देंगे जिससे कि आराम से चिपक जाएगा और फ्राई करते समय ये फटेगा नहीं। इसे बंद करते समय थोड़ा अच्छे से प्रेस करना है। और करंजी बनकर तैयार है। इस तरह से हम सारी करंजी बना लेंगे। हमने सारी करंजी बनाकर तैयार कर ली है और उन्हें क्रस्टी प्लेट में रख लिया है। इन्हें आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें माइक्रोवेव में बेक करेंगे। इनके ऊपर हम घी अप्लाई कर देंगे जिससे कि इसके ऊपर ब्राउन इफेक्ट भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी। लो रैक के ऊपर इसे प्लेस करेंगे और कन्वेक्शन मोड पर जाकर 180 डिग्री सेट कर देंगे। 180 डिग्री टेम्परेचर पर पहले हम 10 मिनट का टाइम देंगे और बाद में चेक कर लेंगे।
और बीच में एक बारीनी निकाल कर टर्न कर देंगे और दूसरी साइड भी हम घी अप्लाई कर देंगे, इससे कि करंची सूखी सूखी नहीं लगेगी खाने में। और 15 मिनट के बाद करंची में अच्छे से ब्राउन इफेक्ट आ गया है, इन्हें हम सर्व कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स कितना आसान है बेक्ड करंची बनाना, इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इफ़ेक्ट आया है, बहुत कम ऑयल और बहुत कम घी में बनकर ये तैयार हो गए हैं। तो इस दिवाली आप बेक्ड करंजी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी दिवाली।